किसी शादी में ऐसे गई हो कि लेविश शादी हो, ओह क्या दुल्हन की एंट्री, बारह बारह खाने लेकिन टेस्ट किसी एक चीज में नहीं। यही तो बात कर रही हूँ मैं, और क्या कह रही हूँ मैं, इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं बताऊँ, मैं आज अपना सीक्रेट बताती हूँ। मैं ना अपने पास मसाला रखती हूँ, छोटा सा एक वो जैसे चाट मसाला हो गया ना, उस टाइप के एक मसाला होता है, और मैं जब भी कहीं सफर पे निकलती हूँ वो मेरे साथ होता है। तुम शादी जहाज में धुस 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 डाला खा गई सफर में, आउट ऑफ पर्स, जो मतलब मुझे तुम शादी में पर्स लेके जाती हो उसके अंदर मसाला होता है, जहाँ मुझे टेस्टलेस फूड मिले ना मैं सो मसाला डाल के खा लेती हूँ। अच्छा आइडिया है। फिर बाकू में तो बहुत ही फीका खाना, पूरा मैं अमेरिका हर जगह जहाँ भी जाती हूँ, जहाँ मुझे लगता है जहाँ टबेस्को मिलता है वो टबेस्को डाल देते हैं, जहाँ नहीं मिलता तो फिर मैं वो अपना वो चाट मसाला छोटी सी डिब्बी होती हूँ। बल्कि शूट पे सब मुझसे कहते हैं ये क्यों लाती हो, मैंने कहा ये एक लंबी कहानी है। अच्छा मैं शौक बहुत है मुझे बाहर आना जाना घूमने, लेकिन खान और टेस्ट ही बता सकती हूँ, टेस्ट बस प्रॉपर कि इसका टेस्ट सही नहीं है, लेकिन मैं जो मिल जाए मैं खा लेती हूँ। तुम लक्कड़ हजम पत्थर। हाँ मिल गया तो भाई, जो मिल जाए वही खाना पड़ता है। नहीं नहीं, अलग से मैं जाऊँ, लोग कहते हैं ट्रैवलिंग में अचार रख लो, चाट मसाला रख लो। मैं तो भाई, अच्छा आप कितनी शौकीन है, लाइक आपके टेस्ट बड्स क्या हैं, आप खा लेंगी अगर बुरा खाना भी बना हुआ होगा तो? हाँ वैसे मैं खा लेती हूँ, आई एम नॉट अ फूडी सैडली। नुमान है वो बहुत पिकी है, वो मतलब बहुत हमारे घर पे टेबल पे खाने को क्रिटिक देता ही वो है, वो पास करता है फेल करता है, उससे कम लगे खुद करता है। और आई मीन किसी यूट्यूबर ने वो लिखा हुआ था कि मुनज़्ज़ा आरिफ का बेटा शेफ है, फॉर गॉड्स सेक वो शेफ नहीं है, वो आर्किटेक्ट है, तो उसको शौक है कभी कभार पकाने का, लेकिन आज सच वो कुकिंग नहीं करता उस तरह से, अपनी बेगम का बना लेता है नाश्ता वाश्ता कभी शौक में, तो वो अलग बात है। जितने कम मसाले ना उतना खाना पसंद, अच्छा पीका पीका पसंद, नमक हाँ बहुत हल्की सी मिर्च हो उसमें वो खुश रहते हैं, इसीलिए उनको ईरानी मेडिटेरियन खाने बहुत पसंद। शुरू से जो आदत डिपेंड करता है। अच्छा हमारे घर में ना शादियों के बाद एक और दो पार्टीज बन गई है, मसाले वाला और नॉन मसाले वाला। छोटी वाली जो बहू है मेरी नूर, वो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाती, उनके घर वाले नहीं खाते, वो नहीं खाते, प्रॉब्लम नहीं होती फिर उसको, प्रॉब्लम होती है मिर्चों से, और नुमान को मिर्चे ना हो तो पसंद नहीं है, तो अब हम बड़ी अजीब से फिक्स में फंस गए। जो भी पकता है ना, मतलब नुमान कहते हैं फ्लेवरफुल हो और सॉल्ट और चीजें पूरी हो, सीजनिंग प्रॉपर हो और पूरी हो, और हमें फिर ये होता है कि नूर नहीं खा सकेगी, वो कम खाती है, तो जोहा को भी मतलब मिर्चे मिर्चे पसंद है, वो भी हमारे हाल क्या निकाला यार। फिर ये ऐसे है कि हम उसके लिए कभी कभार अलग भी बना लेते हैं, या फिर वो कई दफा उसकी मम्मी भी बना के भेजती हैं, या वो ले जाती है तो ले आती है, तो वी डोंट माइंड। लेकिन ये है कि नुमान को हम कहते हैं तुम एडिशनल हरी मिर्ची ऊपर डाल लो। हमारे वाला ग्रीन चटनी जो होती है लहसुन और उसकी हरी मिर्चों की वो होती है, और इसके अलावा मैं और जन्नत तो हरी मिर्चें वैसे साबुत खाते हैं साथ ही, यानी कि मैं अंडा फ्राई करती हूँ उसमें भी हरी मिर्चें काट के डालती हूँ। तो आपको पता चला कि आप ये कैसे ऐसी क्यों है, पता चला कि मिर्ची क्यों लगाती हूं कि मैं खाती ज्यादा हूं, ये इतनी एक्टिव इतनी लाइवली ये मिर्चे खाती है नाश्ते में, हरी मिर्चे डालती है। अच्छा मैं समझती हूँ खाने का जो टेस्ट है ना, बहुत ज्यादा ओवर मसाले टेस्ट खत्म कर देते हैं, जायका हर चीज का मुनासिबत से ही होना चाहिए, इतनी मिर्ची की नहीं कि लोग कहते ना ज्यादा मिर्चे खत्म, जितनी ज्यादा मिर्चे टेस्ट खत्म। तुमने मेरे हाथ की कढ़ाई खाई है ना ईद पर जब तुम आई थी, उसमें कुछ भी नहीं डालती मैं, सिर्फ लाल मिर्च काली मिर्च और नमक, दैट्स इट, कोई हल्दी नहीं कोई। अच्छा ये एक्सपीरियंस मुझे मसाले, मतलब मुझे शुरू में लगता था जितने अच्छे मसाले होंगे उतना अच्छा बनेगा। जब हमने कुकिंग के शोज किए यहाँ पे, अलग अलग मशहूर मशहूर जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको बुला के हमने कढ़ाइयाँ और ये बनवाई, तो हमने देखा ऑब्जर्व किया कि वो तो ज्यादा मसाले डालते ही नहीं, वो तो मसाले प्रॉपर अपना टेस्ट, निहारी पाए इस टाइप की जो चीजें ना उनमें डालते हैं प्रॉपर मसाले, कोरमा निहारी पाए बिरयानी, क्योंकि इनकी एक जो टेस्ट और एक खुशबू है ना वो सिर्फ उन मसालों से ही आता है, जैसे जयफल जावेत्री आते कुछ में सौंफ से आ रहा होता है, हाँ वही मसाले ना मिर्चों से नहीं आते, लोग कुछ समझते हैं मसाले तो कहलाते हैं ये बारह मसाले मतलब कि लाइक हर्ब्स, मिर्चे तो जायका किल कर देते हैं एक्स्ट्रा ज्यादा। अच्छा आज का टॉपिक हमारा है कि ये आप तीनों ने माशाल्लाह शादियां भुगताई, कहते हैं ना वो भुगताना कहते हैं, भाइयों की शादी है, बहनों की है, बच्चों की है, सो आपने एक अरेंजमेंट्स किए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई,
हाँ ठीक है, अब्बू ने भी उठाई होगी, अम्मी ने, लेकिन आपका भी कुछ अमल दखल होगा, एक होता है हर किसी को होता है. लाइक हमारे भी घर में जब थी, भाई की थी, अम्मी जब हयात थी तब तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन भाई की शादी थी तो फिर हम सब कूद पड़े थे, अच्छा कैसा टेस्ट है खाने, टेस्ट करें जा जा के. शादी से पहले जो एक नॉर्मल घर वाले हैं वो अलग अलग जगहों पे जाके खाने टेस्ट करते हैं, अच्छा आज खाने टेस्ट करने जा रहे हैं, ये केटर कैसा है, ये केटर. ऐसे नहीं होती शादियाँ, उसके लिए बड़ा हार्डवर्क होता है पीछे. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.